हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माइकल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में कंपैरेटिव एमआई चार्ट क्रिएट करना। तो कभी कभी क्या हमारे पास डेटा होता है, कभी किसी मंथ का होता है, कभी किसी मंथ का होता है, तो उस कंडीशन में अगर हमें दोनों मंथ का कंपेरिजन करना हो तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। मंथ भी हो सकता है, ईयर वाइज भी हो सकता है, ठीक है, वो डेटा के ऊपर है। तो अभी यहाँ पर जो मैं आपको समझाऊंगा वो समझाऊंगा मंथ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कुछ नेम ऑफ सेल्स पर्सन है जिनका यहाँ पर अगस्त में इतना सेल है और यहाँ पर सितंबर में इतना सेल्स है, तो उसको आप इस तरह से कैसे एक्सेल में दिखा सकते हैं, चलिए सीखते हैं। फिर तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ अलग शीट पर ताकि मैं आपको इसको सही से समझा सकूँ। तो अभी मैंने वो नेम ऑफ सेल्स पर्सन यहाँ रख दिए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, कोई रेंडमली को लेते हैं, जैन का ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं हम फैब का, ठीक है। और रेंडमली हम सेल ले लेते हैं कोई 20,000, ठीक है, एंड 21,000। तो इसको हम यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे सिंपल सा नीचे तक इस तरह से। तो ये हमारी जैन की सेल होगी हमारे पास, और यहाँ से हम फैब की काउंट कर लेते हैं इस तरह ही 32,000, और इसको भी हम सिंपली यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पर दोनों मंथ का डेटा आ चुका है। तो अगर हमें इसका कंपेरेटिव करना हो, मतलब कभी कभी क्या कंपेरिजन करना है वो, तो उसको हम कैसे एक्सेल में कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल सा पहले हम कर लेते हैं जैन का, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम आएंगे होम में, होम पेज में जब हमें आएंगे तो यहाँ पर देखिए डेटा बार का ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें से आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है वो आप इसको चूज कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया, इसके बाद हमें इसको थोड़ा हम और बड़ा कर लेंगे ताकि हमें थोड़ा ये दिखने में लुक वाइज अच्छा लगे, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप हो गया है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर हमें कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर आना है और यहाँ पर हम आना है मैनेज रूल में। तो मैनेज रूल में जब आप आएंगे तो यहाँ पर इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, आपको एडिट रूल पर आना है, ठीक है। एडिट रूल पर आना है तो यहाँ पर डेटा बार और ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, आपको बस यहाँ पर मिनिमम को नंबर में करना है और मैक्स यहाँ भी इसको नंबर में करना है। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ मिनिमम सेलेक्ट हो रखी है, जीरो से कैलकुलेट करेगा, और हाइस्ट वैल्यू हमारी इसमें क्या है 31,000, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर 31,000 दिखा देंगे। अब कलर यहाँ पर बहुत सारे हैं हमारे पास, सॉलिड फिल भी है, तो यहाँ पर अगर आपको पूरे इस तरीके कलर चाहिए तो यहाँ से कलर ले सकते हैं, बाकी यहाँ से भी आप कोई भी कलर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखिए, अब यहाँ से हम इसका बार का डायरेक्शन बदल सकते हैं, ठीक है। अभी लेफ्ट टू राइट करना है इसको या राइट टू लेफ्ट करना है, तो अभी हम इसको लेफ्ट टू राइट कर लेते हैं और इसको ओके करके यहाँ पर इस तरह से ये हमारा ये वाला बार बन गया है, ठीक है। अब सेकंड हमारा है फरवरी मंथ का, ठीक है। अब इसका भी हम ऐसे ही बनाएंगे सेम, होम के अंदर आएंगे हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में हम आएंगे डेटा बार के अंदर, कोई भी हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं डिफरेंट सा, ठीक है। इसके लिए भी सेम वही हम जो हमने पहले वाले उसमें किया है सेम हम इसमें भी करेंगे। देन इसके बाद हम आएंगे मैनेज रूल में, ठीक है। तो यहाँ पर हम आएंगे एडिट के अंदर, एडिट के अंदर हम जब आएंगे तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है, डेटा बार बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पर सिलेक्टेड हो रखा है, हमें ऑटोमेटिक को यहाँ पर नंबर में करना है और इसको भी हमें नंबर में करना है। मिनिमम वैल्यू हमारी जीरो से कैलकुलेट करेगा और हाइस्ट वैल्यू हमारी आप यहाँ देख रहे होंगे वो है 42,000, ठीक है। तो 42,000 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 42,000। कलर यहाँ से हम अभी जैसे ये वाला डायरेक्शन है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर हम कलर कोई भी यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से भी आप चाहे तो कोई और दूसरा भी दे सकते हैं। पहले वाले बार में हमने क्या किया था, हमने पहला वाला लिखा था लेफ्ट टू राइट, अभी हम लेंगे इसको राइट टू लेफ्ट। उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, थर्ड वाला ऑप्शन है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे
और यहाँ पर ओके कर देंगे। ठीक है, तो देखिए पहले में डायरेक्शन ऐसा था हमारा, और ये देखिए हमने यहाँ पर इसको इस तरह से यहाँ पर डायरेक्शन दे दिया है। ये देखिए अलग अलग डायरेक्शन में हमने इसको दिखा दिया। तो इससे क्या है, हमें ये बहुत हम अच्छे तरह से इसको कंपेरिजन कर सकते हैं कि जैन में हमारे सेल किस अकॉर्डिंग हुई थी और यहाँ पर फरवरी में किस तरह से हुई थी। अगर मैं किसी का अगर रेंडमली यहाँ अमाउंट लिखूँ तो ऑटोमेटिक वो चीज़ यहाँ पर चेंज हो जाएगी। ये देखिए 40 में, क्योंकि हमने वहाँ हाइस्ट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इसने यहाँ पर उसको कैलकुलेट कर लिया। तो जैसे जैसे मैं अगर कुछ भी अगर यहाँ एंट्री करता हूँ तो आप ऑटोमेटिक देख रहे होंगे वो चीज़ यहाँ भी चेंज हो रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ऐसे को ले लेता हूँ 35,000, या मैं ले लेता हूँ 23,000, तो देखिए जैसे जैसे कहीं भी अगर हम कुछ यहाँ पर अमाउंट डाल रहा हूँ तो ऑटोमेटिक आप देख रहे होंगे वो चीज़ यहाँ भी चेंज होती जा रही है। ये देखिए 34,000 है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे आप भी सेम किस कोई भी अगर डेटा हो आपके पास किसी मंथ का या किसी भी ईयर का, तो उसको आप कैसे उसका कंपेरिजन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।